ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? उत्तर, ब्लूम। क्वेश्चन टू, गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं? आंसर इज सजीवता। क्वेश्चन थ्री, गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है? उत्तर, बालकों की रुचि जागृत करने के लिए। प्रश्न चार, किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण विधि है? उत्तर, क्रिया विधि। प्रश्न पाँच, टैक्सोनॉमी शब्द का अर्थ हो सकता है? उत्तर, क्रमबद्ध चढ़ाव क्रम। प्रश्न छः, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है? उत्तर, विज्ञान के साथ। क्वेश्चन सात, चिंता बोध तर्क शक्ति विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है? उत्तर, गणित। क्वेश्चन आठ, आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि को प्रयोग में लाएंगे? उत्तर, निगमन विधि। क्वेश्चन नौ, बालक में स्वाभाविकरण की क्रिया किस पक्ष से जुड़ी हो सकती है? उत्तर, प्रत्यक्षीकरण से। प्रश्न दस, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है? उत्तर, शिक्षण उद्देश्य। प्रश्न ग्यारह, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है? उत्तर, ब्लूम द्वारा। प्रश्न बारह, रेखा गणित का संबंध है? उत्तर, प्रसार व विस्तार से। क्वेश्चन थर्टीन, साधारणतः एक फिल्म स्ट्रिप में कितने फ्रेम होते हैं? उत्तर, 20 से 30। प्रश्न चौदह, वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि है? उत्तर, योजना विधि, निगमन विधि, अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे? ये तीनों ही इस प्रश्न के उत्तर हैं। प्रश्न पंद्रह, ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है? उत्तर, बुद्धि। प्रश्न सोलह, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है? उत्तर, समन्वय व सुसंगठितता का, उपयोगिता व जीवन से संबद्धता का, क्रियाशीलता व परिवर्तनशीलता का। ये तीनों ही इस प्रश्न के उत्तर हैं। क्वेश्चन 17, वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने हेतु किस विधि का प्रयोग उपयुक्त है? उत्तर, प्रयोगशाला विधि। क्वेश्चन 18, बीजगणित यथार्थ में है? उत्तर, सामान्यीकृत अंकगणित। प्रश्न 19, दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है? उत्तर, विषय वस्तु का चयन, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण, शिक्षण विधियों का निर्माण। ये तीनों ही पॉइंट इस प्रश्न के उत्तर हैं। क्वेश्चन 20, त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण या सामग्री क्या होनी चाहिए? उत्तर, कंपास, पैमाना, पेंसिल। ये तीनों ही आंसर इस क्वेश्चन के हैं। क्वेश्चन 21, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है, यह विचार किसका है? उत्तर, रोजर बेकन। प्रश्न 22, ज्ञान संबंधी प्राप्य उद्देश्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर, गणितीय सिद्धांत की सही समझ। प्रश्न 23, गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है? उत्तर, प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। क्वेश्चन 24, ब्लूम ने किस आधार पर अधिगम के लिए उद्देश्य निर्धारित किए? उत्तर, व्यवहार परिवर्तन के। प्रश्न 25, पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण है? उत्तर, व्यक्तिगत क्रियाओं विधि का गुण है, पिछड़े बालकों को शिक्षा उपयुक्त ढंग से देना, छात्रों की पाठ्य वस्तु का गहनता से विकास करना। ये तीनों ही पॉइंट इस प्रश्न के उत्तर है, यानी कि पॉइंट डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 26, गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि? उत्तर, ये तर्क पर आधारित है। प्रश्न 27, गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं? उत्तर, वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक। प्रश्न 28, सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना गया है ज्ञानात्मक पक्ष से? उत्तर, मूल्यांकन। प्रश्न 29, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? उत्तर, गिनती सिखाने में। प्रश्न 30, गणित विषय की विशेषता है? उत्तर, तर्कपूर्णता, परिणामों की निश्चितता, शुद्धता। यानी कि ये तीनों ही पॉइंट इस प्रश्न का उत्तर है, आंसर डी, सभी।